तो हेलो दोस्तों, स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिक्स वेंचर्स में। तो गाइस फिर से लेके आ गए हैं आपके लिए एक और न्यू वीडियो लेकर। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारा थंबल देख लिया होगा, तो दोस्तों जो फॉर्म आ गया है लाइव का, लाइव होस्टिंग का न्यू फॉर्म आ गया है, उसी को बताऊँगा कि आपको किस तरीके से फिल करना है और क्या 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 फिल करना है। और दोस्तों सभी को मिलेगा लाइव इसमें, तो उसी टॉपिक के ऊपर दोस्तों वीडियो लेके आ गया हूँ। और क्या क्या रूल चेंज हुए हैं दोस्तों, वही मैं बताने वाला हूँ। और जो आपका पीडीएफ होती है, जो टारगेट होता है, वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ इसी वीडियो में। तो आइए जब भी टाइम वेस्ट ना करते आइए वीडियो में शुरू कर लेते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाएगी। तो आइए हम शुरू कर लेते हैं। करना क्या होगा, तो आपको चले जाना है अपनी ओला पार्टी आईडी में। तो मैं अपना ओला पार्टी ऑन कर लेता हूँ। ओला पार्टी ऑन करने के बाद दोस्तों आपको आना होगा यहाँ पे, आपको दिख रहा होगा, एक सेकंड मैं लाइव में चला गया, तो मैं कर देता हूँ इसे, काट देता हूँ। और आपको दिख रहा होगा यहाँ पार्टी है, तो पार्टी पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको आना है थोड़ा नीचे, नीचे आने के बाद थोड़ा आपको यहाँ पे इसको स्लाइड करना है, और आपको यहाँ दिख रहा होगा लाइव होस्टिंग का, तो ये मेरा आ चुका है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ओला पार्टी वीडियो होस्टिंग रजिस्टरमेंट। तो दोस्तों आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे होंगे, तो यहाँ पे कुछ रूल दे रखे हैं, तो आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। तो जो भी इसके रूल है और जो भी इसके जो नियम है, वो भी जो सारे है जो आपको दे रखे हैं यहाँ पे, आप पढ़ सकते हैं। तो मैंने तो पढ़ रखा है, तो आपको सीधे दोस्तों यहाँ पे ज्वाइन नाउ पे क्लिक करना है, या आप ऊपर देख रहे हैं यहाँ पे लिखा है ज्वाइन अस, तो आपको सिंपली यहाँ से क्लिक करना है। अगर दोस्तों आपका फॉर्म यहाँ से अगर ओपन नहीं होता है, तो मैं वीडियो के लिंक में इसका वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूँगा, आप सिंपली जाके वहाँ पर क्लिक करके और फॉर्म पर जा सकते हैं। तो मैं दोस्तों इसको क्लिक कर लेता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं मेरा फॉर्म ये ऑन होने वाला है। जैसे ये फॉर्म ऑन हो जाता है, तो उसको बताऊँगा कि आपको किस तरीके से फिल करना है इस फॉर्म को। तो दोस्तों ये हमारा फॉर्म खोलने वाला है, तो आप देख सकते हैं ये हमारा जो है फॉर्म खुल चुका है। और जो जो नए नए नियम आए हैं दोस्तों इसके, और दोस्तों पहला नियम तो यही है कि जो 18 साल से नीचे के उन लोगों का ये होस्टिंग जो है वो नहीं मिलेगी। और आपका जो भी किस तरीके से आपको फिल करना है, और जहाँ से आप जहाँ से बिलोंग करते हैं, जिस कंट्री से, वो कंट्री वंट्री सबको आपको भरनी है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ से। दोस्तों पहले तो आपको यहाँ से आपको जीमेल आईडी जो है वो सिलेक्ट करनी पड़ेगी आपको। तो आप जीमेल आईडी जो है सिलेक्ट कर लें, उसके बाद आते हैं नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ मांगता है आपसे ओला आईडी आपकी, तो सिंपल यहाँ से जो भी आपकी ओला आईडी है वो अपनी ओला आईडी डाल दें। और उसके बाद दोस्तों आते हैं थोड़ा नीचे, और नीचे आने के बाद दोस्तों आपको दिख रहा होगा पूछ रहा है योर स्टेटमेंट, वो स्ट्रीमिंग टैलेंट क्या है आपका, जो टैग करोगे तो आप, तो जो भी आपको जो अगर आपका ब्यूटी है, मतलब आप खूबसूरत हो ज़्यादा, तो आपका वो टैलेंट है तो भर सकते हो। अगर आप गाना गाने के शौकीन हो, ज़्यादा सिंगिंग करते हो, तो आप ये भर सकते हो। तो और दोस्तों बात कर लेते हैं चैटिंग के। आप बात करने पर अगर दोस्तों एक्सपर्ट हो, किसी का भी दिल जीत सकते हो बात करके या शायरी सुना के, तो दोस्तों आप ये चैटिंग का ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर दोस्तों आप फिर भी आप कंफ्यूज हो कि आप किस में फ़ील करें, तो सिंपली आप चैटिंग का जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों आ जाते हैं थोड़ा नीचे। नीचे आने के बाद दोस्तों आपको पता ही होगा जेंडर, आपका जो भी जेंडर है वो सिलेक्ट कर, मेल है या फीमेल है जो भी आपका है वो सिलेक्ट कर लें। उसके बाद दोस्तों यहाँ पूछता है ब्रॉडकास्टिंग टाइम ड्यूरेशन, तो दोस्तों इसका मतलब यह है कि आप किस टाइम पे जो है वो लाइव आना चाहते हैं ओला पार्टी पे, तो वो टाइम आपको सिलेक्ट कर लेना है कि जो भी आपका अच्छा टाइम हो वो आप वो चूज़ कर सकते हैं। जैसे आप मॉर्निंग के टाइम पे फ्री है तो 4 से 8 बजे कर लें, या 8 से 12 का कर लें, या शाम में फ्री है तो 20 से 24 का कर सकते हैं। इसमें दोस्तों आपको आना होता है लाइव। तो उसके बाद दोस्तों आना है, आते हैं नीचे। नीचे आने पर दोस्तों यहाँ पूछते हैं आपका व्हाट्सअप नंबर, तो जो भी आपका व्हाट्सअप नंबर है वो अपना यहाँ पर आपको फिल कर देना है। और उसके बाद दोस्तों आते हैं थोड़ा नीचे, और नीचे आने के बाद दोस्तों मेन चीज़ है यहाँ पर आपका एजेंसी, तो आपका कौन सी एजेंसी है, तो दोस्तों जिस एजेंसी से मैं आपको भरवाने वाला हूँ उसका नाम है ईमा। दोस्तों आप ईमा से जो है भरेंगे, और जो एजेंसी कोड है दोस्तों वो मैं बताने वाला हूँ कि आपको एजेंसी कोड में डालना क्या है। और दोस्तों एजेंसी कोड आप देख सकते हैं इधर साइड में ब्लैंक हो रहा है, तो आप इधर से भी एजेंसी कोड देख के यहाँ पर डाल सकते हैं। तो आइए मैं अपना आपको एजेंसी कोड आपको शो करा देता हूँ मेरा। तो दोस्तों देख सकते हैं जो है मेरा ईमा है, और एजेंसी कोड है KM93। तो सिंपली आपको क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको फिल कर देना है, कैपिटल में करना है आपको KM 93।
तो दोस्तों ये हमारा कोड है और साइड में मैंने आपको दे रखा है, आप यहाँ से भी देख कर आराम से फिल कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आ जाना है आपको नीचे, नीचे आने के बाद आपको आपका नेशनल सेलेक्ट करना है कि आप किस नेशन से हैं। इंडिया से तो हैं आप इंडिया कर दें, श्रीलंका से तो श्रीलंका, या पाकिस्तान से पाकिस्तान, बांग्लादेश है तो बांग्लादेश का कर सकते हैं। तो सिंपली हम तो इंडिया से, तो हम इंडिया पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ मांगता है आपसे सिटीजन का आईडी कार्ड। तो दोस्तों जैसे कि हमने वीडियो में बता रखा था पहले भी कि यहाँ सिटीजन आईडी कार्ड में अपना आधार कार्ड का नंबर देना होता है, तो सिंपली आप यहाँ पर आधार कार्ड का अपना नंबर डाल देंगे। उसके बाद दोस्तों आते हैं नीचे, और नीचे आने के बाद दोस्तों मैं दिखाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ आपसे मांगता है फ़ोटो। तो दोस्तों यहाँ पे आपके आधार कार्ड की जो है फ़ोटो का फ्रंट पेज मांगता है, तो आप आधार कार्ड के अपने फ़ोटो का क्लिक करके और यहाँ पे फ्रंट पेज अपना अपलोड कर देंगे। उसके बाद दोस्तों मेन चीज़ है कि वीडियो ऑडिशन के लिए जो आपको वीडियो बनानी है वो किस तरीके से बनानी है। तो दोस्तों आइए मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ कि आपको किस तरीके से वीडियो बनानी है, उसके बाद मैं बताऊँगा कि आगे आपको करना क्या है। तो दोस्तों जैसा कि आपने हमारी वीडियो देख ली होगी तो आपको समझ आ गया होगा कि आपको किस तरीके से वीडियो रिक्वेस्ट की, ऑडिशन की होस्टिंग के लिए जो रिक्वेस्ट करनी है वो आपको पता चल गया होगा किस तरीके से करनी है। उसके बाद दोस्तों आना है आपको नीचे, और नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ आपसे पूछ रहा है विच प्लेटफॉर्म आर यू फॉर्म। तो दोस्तों ये पूछ रहा है कि आप पहले कौन सा इनमें से कौन सा वो एप्लीकेशन था या वो प्लेटफॉर्म था जिस पे आप पहले भी लाइव आ चुके हैं। तो सिंपली दोस्तों अगर आप नहीं भी आए हुए हैं तो इसमें से कोई सी भी एप्लीकेशन जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और डाउनलोड करने के बाद दोस्तों का करना क्या है, जैसे मान लीजिए आप अप लाइव का क्लिक कर दें, और सीधे आना है आपको प्ले स्टोर में सेलेक्ट करना है आपको अप लाइव। तो यहाँ पे लिखेंगे अप लाइव, लिखेंगे तो आप देख सकते हैं जो पहले नंबर पर ये एप्लीकेशन आएगी, आपको सिंपली इसको इंस्टॉल कर लेना है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो सिंपली दोस्तों आपको देख सकते हैं ये अप्लाइव की आईडी है, ये एप्लीकेशन है, इसको सिंपली आप इंस्टॉल कर लें। इंस्टॉल करने के बाद आपको साइनअप करना है अपने नंबर से, या गूगल से किसी भी साइनअप कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई दे। तो दोस्तों जैसे ही वो आईडी बन जाएगी तो आपको कुछ इस प्रकार का, यहाँ पे आने के बाद आपको मोर पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे दिख ले होगी आपको आपकी आईडी दिख जाएगी। तो ये मेरी जो अप्लाइव की आईडी है दोस्तों, आप देख सकते हैं, मैं आपने दिखा दूँ ये, तो ये मेरी अपलाइव की आईडी है। तो आप सिंपली यहाँ पे देख सकते हैं, और जो आपको ये आईडी नंबर है यह आपको कॉपी कर लेना है, जो यहाँ पे आईडी नंबर दे रखा है इसको आपको कॉपी करना है, और कहाँ पे ये, और आपको इसका स्क्रीनशॉट लेना है, और कहाँ अपलोड करना है वो मैं बताने वाला हूँ आपको। तो आपको फिर से चले आना है अपने फॉर्म पर। तो मैं आगे अपने फॉर्म पर आ चुका हूँ, और आपको थोड़ा नीचे आना है। नीचे आने के बाद दोस्तों यहाँ मांग रहा है आईडी। तो दोस्तों जो आईडी मैंने आपको बोली थी यहाँ से कॉपी करने के लिए, वाली आईडी आपको कॉपी कर लेनी है। तो करने के बाद दोस्तों आना है फॉर्म पे, और आपको यहाँ पर आके पेस्ट कर देना है। तो जैसे आप पेस्ट कर देंगे उसके बाद दोस्तों आपको आना है नीचे, और नीचे आने के बाद दोस्तों उसी प्रोफाइल का आपको स्क्रीनशॉट जो है वो यहाँ पे है, स्क्रीनशॉट डाल देना है। जैसे स्क्रीनशॉट डाल के आपको दोस्तों आपको चेक कर लेना है एक बार कि सही आपका जो आपने फिल किया है फॉर्म वो सही से सब फिल हो चुका है। तो उसके बाद दोस्तों आपको सीधे सबमिट पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यही सबमिट पर क्लिक कर देते हैं, आपको 3 दिन के अंदर जो दोस्तों आपको जो है लाइव मिल जाएगा, और जो भी आपकी टारगेट है वो आपने जो है जिससे भी आपने लाइव लिया है उससे आप पूछ सकते हैं। तो दोस्तों मैं समझा आपको PDF भी दे दूंगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और मैं थोड़ा सा एक बार समझा भी देता हूँ आपको। तो आइए मैं चल लेता हूँ अपने PDF की तरफ। तो दोस्तों आपको यहाँ पे दो तरह के फॉर्म दिए गए हैं, जैसे जो पहले देख सकते हैं आपको, जो पहला फॉर्म पहली है जो पहला है इसमें आपको जो 30 आवर आना है 20 डे के अंदर, और जो दूसरा फॉर्म है वो उसमें आना है दोस्तों 20 डे के अंदर आपको 50 आवर आपको लाइव आना है। तो दोस्तों किस तरीके से आना है वही आपको बताने वाला हूँ दोस्तों। तो फिर आप अपने हिसाब से कंबाइन कर सकते हैं कि एक दिन में आप ढाई घंटा आना है कि आपको 3 घंटा आना है एक दिन के अंदर, तो वह अपने आप से डिसाइड कर लें कि आपको कितने घंटे आना है एक दिन में। तो उसके बाद दोस्तों आप देख सकते हैं जो इसमें सबसे छोटा टारगेट है, जो आप देख सकते हैं वो दोस्तों यहाँ पे सबसे छोटा टारगेट है 1.5 लाख का है। तो 1.5 लाख का जो टारगेट है दोस्तों उसमें आप देख सकते हैं आपको जो घंटा है यहाँ पर देख सकते हैं आपको 30 आवर जो है उसमें आपको 30 आवर जो आना है वो 20 दिन के अंदर, 20 डे में आपको 30 आवर आना है। और दोस्तों इसमें जो आपको बेनिफिट होने वाला है जो मिनिमम है आपका वो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो मिनिमम डॉलर मिलेगा आपको जो हमारी ऑफिशियल देगी, जो एजेंट देगी आपको लाइव आने का, जो टारगेट पूरा करेंगे आप उसका, तो आपको जो है $3 मिलने वाला है, जो आपको है $3 मिलेगा। और दोस्तों जो
आप अगर ज़्यादा ऑनलाइन आते हैं तो उसमें मिलेगा, और जो कंपनी तरफ से मिल के आपको मिल जाएगा वो $6 हो जाएगा आपका। तो यानी टोटल आपको तीन डॉलर जो दोस्तों आपको मिलेगा, और $3 आपको आपकी एजेंसी द्वारा मिला जाएगा, जो आपका वो जो भी आपका होस्टिंग का जो भी रिक्वेस्ट होगी उसके हिसाब से अगर टारगेट पूरा करते हैं तो आपको ये मिलेगा। और दोस्तों इसमें बात कर लेते हैं दूसरे वाले फॉर्म में, तो दोस्तों दे सकते हैं यहीं पे आपको, अगर आप आते हैं, अगर घंटा आते हैं मिनिमम अगर आते हैं तो आपको $9 मिलेगा, $9 मिलेगा उसी में। लेकिन दोस्तों इसमें यह है कि इसमें आपको कम से कम 50 आवर आना है, 20 डे में 50 आवर आपको आना पड़ेगा। और जो जो छोटा टारगेट है आपका वो देख सकते हैं यहाँ पे आपको जो 1.5 लाख का टारगेट है, बड़ा वाला टारगेट है, इसमें आपको मिलने वाला है बिल्कुल $17। तो दोस्तों $17 मिलने वाला है इसमें आपको। तो अगर दोस्तों आपको बिल्कुल बारीकी से समझना है, तो इसको इस चार्ट को बिल्कुल सही से समझना है, तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं और मेरे आगे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, तो वहाँ पे मैं बिल्कुल आपको अच्छी तरीके से समझा दूंगा इस चार्ट को कि कितने का टारगेट है आपको, किस तरीके का टारगेट का पूरा करना है, वो भी सब बताने वाला हूँ मैं आपको। और दोस्तों अगर आपको डायमंड सेल अगर डायमंड चाहिए आपको सस्ते, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पे ग्रुप में मैसेज कर सकते हैं, तो मैं भी आपको डायमंड जो है वो सस्ते रेट पे दिलवा दूंगा। और दोस्तों बाहर से किसी से ना ले, जैसे बहुत सारे दोस्त होते हैं जो पैसे लेके भाग जाते हैं डायमंड वोमेंट का, तो आपको अगर डायमंड चाहिए तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, मैं आपको डायमंड दिलवा दूंगा वो भी सस्ते रेट में। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों मैं यहाँ पे ज़्यादा वीडियो नहीं समझा रहा कि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।